हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। बारिश से भारी जलभराव है, जिस कारण कांवड़ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर है। गंगा की चेतावनी के निशान से 293 मीटर से 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। खतरे का निशान 294 मीटर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटवर्ती इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। मूसलाधार वर्षा से जगह जगह जलभराव हो गया है। वहीं मध्य हरिद्वार के व्यस्ततम श्री चंद्राचार्य चौक में भी भारी जलभराव की खबर है। यहां घुटनों तक जलभराव के बीच कांवड़ यात्री जल लेकर अपने गंतव्य को जाते दिखाई पड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बारातियों से भरी बस सागर नहर में गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि प्रकाशम के दारसी इलाके में एक बस सुबह बारातियों को लेकर निकली थी। इस हादसे में 30 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक करीब 37 रिश्तेदार पोडिली से काकीनाटा के इलाके की ओर जा रहे थे। पहले सभी शादी समारोह में शामिल हुए, फिर रिसेप्शन में जाने के लिए ओंगोल डेपो से ये आरटीसी की बस किराए पर ली थी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुई इस बस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने दुख जताया है। सीएम रेड्डी ने भी अधिकारियों को बस दुर्घटना के घायलों को बेहतर चिकित्सा और देखभाल सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जहां एक तरफ नदियां उफान पर हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, वहीं हाईवे पर भी पानी जमा होने से यात्री दिक्कत में है। ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले लोग रास्ते में घंटों पानी के बीचों बीच फंसे दिखाई पड़े। किसी का वाहन डूब गया तो कोई खुद पानी में तैरता हुआ नजर आया। पानी से बसों की स्थिति भी खराब हो गई है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर इस कदर पानी भर चुका है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति से छुटकारा मिल सके इसलिए लोग खुद ही कंधों पर सामान लेकर पानी में उतरे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ बाढ़ जैसे ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग खुद पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी भर गया। राजस्थान में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है। सोमवार को प्रदेश के सिरोही, प्रतापगढ़ में पाली समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई बांध ओवरफ्लो हो गए। जालौर और सिरोही के कलेक्टरों ने जिले के सभी स्कूल्स बंद कर दिए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सिरोही के शिवगंज में कल सर्वाधिक 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के लिए भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऑरेंज अलर्ट भी यहां जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा 12 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान भी जताया गया है। इसी के साथ ऑरेंज अलर्ट भी है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, भिलवाड़ा, पाली, झालावाड़ जिलों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना जताते हुए इन इलाकों में सिर्फ येलो अलर्ट जारी है। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं देखने मिला है तो वो है हिमाचल प्रदेश। बीते दिनों प्रदेश की मंडी में बाढ़ के भयानक वीडियो सामने आ रहे हैं जिसने हर किसी को डरा दिया। अब बाढ़ से प्रभावित जगहों के ड्रोन शॉट्स भी सामने आए। मंडी में बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने मिल रहा है। हाल ही में भारी बारिश से इलाके में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से प्रभावित है। इसके बाद रास्ता भी बंद हो गया है। इस तबाही का एक वीडियो ड्रोन से लिया गया है जो आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क की दूसरी ओर भूस्खलन दिखाई पड़ रहा है और हालात कुछ इस कदर बिगड़े हैं कि नेशनल हाईवेज भी बंद कर दिया गया है। रास्ता पूरी तरह से बंद है, लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल ड्रोन शॉट्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लगातार शिमला के लोगों को पानी पीने की समस्या हो रही है। पीने का पानी यहां बहुत मुश्किल से मिल रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध करा रहा है। पीने के पानी की कमी पर शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि हम टैंकर से यथासंभव अधिक से अधिक स्थानों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आपदा के कारण राज्य को बहुत नुकसान हुआ है, चाहे जल योजनाएं हो, सड़कें हो या बांध हो। शिमला में हमने निजी टैंकर्स उपलब्ध कराए हैं और नगर निगम के टैंकर भी पानी मुहैया करा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी से लेकर कुमाऊं मंडल तक ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी है कि प्रदेश में 11 और 12 जुलाई को पहाड़ी जनपदों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो सकती है। पंचकुला में खराब मौसम की स्थिति के कारण एक फ्लाईओवर की संरचनात्मक अखंडता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।
जिससे कि इसका एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया। भारी बारिश में बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है, जिससे कि क्षरण और अस्थिरता पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे विभिन्न बिंदुओं पर दरारें भी देखी गई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि अगर तुरंत ध्यान न दिया जाए तो और ज्यादा क्षति होने की संभावना है। पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्र में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश ने नियमित जनजीवनों को प्रभावित किया है। रेल यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उत्तर रेलवे के अनुसार गंभीर जलभराव के कारण रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सनेहवाल अंबाला मार्ग पर भी सेवाएं निलंबित हैं, ट्रेनों के रूट्स भी बदले गए हैं। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सोमवार को राजधानी जयपुर में हुई तेज बारिश के दौरान एक मासूम की मौत हो गई है। बताया गया कि जयपुर में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल भी पानी में सराबोर है। यहां अस्पताल के कई वार्ड्स में 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। सभी मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मरीजों के साथ डॉक्टर्स के रूम भी बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं पानी से। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने कहा कि सड़कों पर पानी जमा होने के कारण बारिश का पानी अस्पताल के भीतर आ गया है, वार्ड्स में घुस गया है। उन्होंने कहा कि मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और पानी साफ करने की कोशिश हो रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।